हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। हमने बात करना स्टार्ट किया था आपके सबसे इंपॉर्टेंट एक एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलिन के बारे में। तो आज का ये जो वीडियो होगा वो पर्टिकुलरली पेनिसिलिन का आखिरी पार्ट होगा। तो इस आखिरी पार्ट में हम बात करेंगे आपके एक और टाइप ऑफ पेनिसिलिन के एक्टिविटी को बढ़ाने वाले एजेंट की। आज हम बात करने वाले हैं बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर की। सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा बीटा लैक्टम है क्या, जिसके बारे में मैंने आपको जब बात किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक तब भी डिस्कस किए थे, जब हमने पेनिसिलिन के बारे में बात किया तब भी बताया था कि पेनिसिलिन के काम करने के जो एक्टिविटी है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो एक क्रॉस लिंक बनाता है आपके ग्लाइकॉन पेप्टाइडोग्लाइकॉन चेन पे। ये उसके काम करने का मेन पार्ट है और यहीं पे हमारे जो पेनिसिलिन है वो जाके अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। बीटा लैक्टमेज एकदम सेम टू सेम सुनने में लगता है, इसलिए कंफ्यूजन होने की बहुत संभावना है इस वीडियो में। बीटा लैक्टम एक एंटीबायोटिक के काम करने के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली है, दूसरा बीटा लैक्टमेज है। तो एक बीटा लैक्टम और बीटा लैक्टमेज सुनने में सेम टू सेम है, बट वी डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस। बीटा लैक्टम एक रिंग है, बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम है जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म के द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये उस बीटा लैक्टम रिंग को हाइड्रोलाइज करके इसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। सो बीटा लैक्टमेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपको आपके लिए गए पेनिसिलिन की एक्टिविटी को कम कर रहा होगा, यानी कि ये अच्छी बात नहीं है पेनिसिलिन की एक्टिविटी के लिए। एग्जाम्पल की बात करता हूं, अगर कुछ है कोई दिक्कत है कोई इंफेक्शन है उसको ठीक करने के लिए मैंने पेनिसिलिन लिया और अगर आपकी बॉडी में प्रेजेंट बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए बीटा लैक्टमेज बना रहा है तो ये जो बीटा लैक्टमेज बनाएगा वो बैक्टीरिया वो आपके पेनिसिलिन के बीटा लैक्टम रिंग को हाइड्रोलाइज कर देगा, जिसकी वजह से वह आपका लिया गया पेनिसिलिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे में तो हुए होगा कि आप दवाई लेते जाएंगे और आपको एक्टिविटी मिलने ही नहीं शुरू हो जाएगी। तो हमको क्या करना है, हमको यह करना है कि वो बैक्टीरिया जो बीटा लैक्टमेज बनाता है इसको हमको इनहिबिट करना है, उससे वो एंजाइम कम बनने लगेगा जो कि बीटा लैक्टम पेनिसिलिन के लिए नुकसानदायक है। यानी कि कोई चीज ऐसी है जो कि आपको नुकसान पहुंचा रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उस चीज को कम या जीरो कर देना चाहिए जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। यही तो हमारे काम करने का तरीका है। तो हम क्या करते हैं ये देखेंगे, पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं फिर मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले बीटा लैक्टम क्या है, बीटा लैक्टम जो एक एंटीबायोटिक का मेन रिंग है वो बीटा लैक्टम है। अब इसी बीटा लैक्टम में मैं अगर एस लगा दूं, यहां पे मैंने बीटा लैक्टम लिखा हुआ है, अब देखिएगा अंतर कैसे होता है क्योंकि यही आपको डिफरेंशिएट कराएगा। बीटा लैक्टम के लास्ट में मैं एस लगाता हूं तो यही पूरा अर्थ का मतलब ही चेंज कर देगा, इतना इंपॉर्टेंट है। सो बीटा लैक्टम एक रिंग है जो कि बैक्टीरिया के काम करने को खत्म करने के लिए पेनिसिलिन का मेन टारगेट हुआ। जैसे ही बीटा लैक्टम में मैंने एज लगा दिया ये बीटा लैक्टमेज बन गया और ये क्या कहलाएगा, इट इज एंजाइम प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया। अब ये बीटा लैक्टमेज किसके द्वारा बनता है, ये बनता है आपके बैक्टीरिया के द्वारा, विच ओपन अप द बीटा लैक्टम रिंग। बीटा लैक्टम रिंग को ये ओपन कर देता है और इसकी वजह से जो इनएक्टिवेट हो जाएगा हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स यानी कि पेनिसिलिन, उसके काम करने का जो तरीका वही था बीटा लैक्टम पे जाकर के काम करेगा। अब उसी बीटा लैक्टम को हमारा बीटा लैक्टमेज दिक्कत कर रहा डिस्ट्रॉय कर रहा है। थोड़े मैं दोबारा आपसे कहूंगा वर्ड बहुत स्टिकी है, बीटा लैक्टम और बीटा लैक्टमेज उन पे आप ध्यान दीजिएगा। सो ये क्या करते हैं, बीटा लैक्टम रिंग को डिस्ट्रॉय करते हैं और एंटीबायोटिक की एक्टिविटी कम हो जाती है। अभी इसको हमको ठीक करना है, हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बीटा लैक्टमेज, अगेन मैं इसको अंडरलाइन करूं ताकि आपको ध्यान में चलते चले, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर यानी कि ऐसे ड्रग यूज करूंगा जो इस बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करेंगे। बीटा लैक्टमेज बीटा लैक्टम रिंग को इनहिबिट कर रहा था तो इसको इनहिबिट कर दूंगा तो मैं इसके इनहिबिशन को कम कर दूंगा, यानी कि जो बीटा लैक्टमेज आपके पेनिसिलिन की एक्टिविटी को कम कर रहा था मैं इसी बीटा लैक्टमेज को कम कर रहा हूं ताकि आपके पेनिसिलिन की एक्टिविटी कम ना हो, बनी रहे जितनी इसकी होनी चाहिए। इसीलिए ये हमारा जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, देखिए ये बाइंड एंड इनएक्टिवेट द बीटा लैक्टमेज, ये जो आपका बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है वो उस बैक्टीरिया के पास जा करके बीटा लैक्टमेज पे बाइंड होता है और बीटा लैक्टमेज को इनहिबिट करता है। जो पेनिसिलिन को इनहिबिट करेगा उसको इनहिबिट कर रहा है, इनडायरेक्टली आपके पेनिसिलिन को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त यहां पे प्रिंसिपल काम कर रहा है। हमारा दुश्मन कौन सा है, बीटा लैक्टमेज,
और बीटा लैक्टामेज का दुश्मन कौन सा है? बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर। तो एक प्रकार से बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर ने आपके दोस्त पेनिसिलिन की एक्टिविटी को बढ़ाकर रखने में काम किया, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो आगे देखिए, दूसरा जो काम करने का तरीका है, दे इंक्रीज द एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम। अब क्यों? जो कि आपके एंटीबायोटिक के स्पेक्ट्रम को खत्म कर रहा था हमारा बीटा लैक्टामेज, इसी को हम खत्म कर देंगे, बीटा लैक्टामेज को इनहिबिट कर देंगे, तो हमारे जो पेनिसिलिन की एक्टिविटी थी वो तो बढ़ जाएगी और इसकी वजह से जो हमारा ड्रग का एक्शन था वो भी बन जाएगा। अब इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, जिसको मैंने आपको पेनिसिलिन के स्टार्टिंग में ही बीटा लैक्टम रिंग के द्वारा समझाने का प्रयास किया था कि कैसे वो बनते हैं, कैसे ये एक ट्रांसबॉन्ड बनाने का काम करते हैं। चलिए मैं उसको समझाता हूं आपको, मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिससे हम इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। पिछले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था, ये नेट जो है वो एक क्रॉस बॉन्ड बनाता है, क्रॉस लिंक बनाता है, बीटा लैक्टामेज रिंग बनाते हैं। इसको मैंने समझाने का प्रयास किया था कुछ इस तरीके से कि देखिए, ये एक ऊपर ऊपर लाइन अल्टरनेट पे बनते हैं और क्रॉस क्रॉस है। ये जो आपका क्रॉस चेन है, ये आपके सेल वॉल को बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से आपका जो बैक्टीरिया का सेल है वो इंटेग्रेंट शेप मजबूत होता है। तो हमारा बीटा लैक्टामेज पेनिसिलिन है या रिडॉल ड्रग है, वो इसी को दिक्कत करते थे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जो रिंग को डिस्ट्रॉय करता था उसी को हम प्रिवेंट करने वाले हैं। तो अगर मान लेता हूं कि ये जो बीटा लैक्टामेज है, ये जो कैची है वो बीटा लैक्टामेज है, और उनके काम करने की एक्टिविटी को अफेक्ट करने के लिए इसी ये क्रॉस लिंक को कट कर रहा था, रिंग को ओपन कर रहा था। इसकी वजह से पेनिसिलिन जहां पे काम करता उस पे वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा था। आप देख रहे हैं कि बीटा लैक्टामेज हमारे जो एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो अगर हम ये नहीं चाहते कि आपकी एक्टिविटी अफेक्ट हो, तो हम इस बीटा लैक्टामेज, ये कैची बीटा लैक्टामेज है और ये जो हमारा बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है वो ड्रग है, तो ये बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है, ये क्या करेगा, इस कैची पे जाकर के इसको इनहिबिट करेगा, और इसकी वजह से ये कैची तो ओपन ही नहीं हो पा रही है। देखिए, अब जब ये ओपन ही नहीं हो पाएगी तो इसको कट कैसे करेगा, इसको हाइड्रोलाइज कैसे करेगा। इसी तरह से बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर हमारे पेनिसिलिन की एक्टिविटी को मेंटेन करके रखने में हमारी मदद करते हैं, उनके डिस्ट्रक्शन को, बीटा लैक्टम रिंग के डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने में हमारी मदद करते हैं, और यही तो है हमारे उनके बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर के काम करने का तरीका। दूसरा, उसके बाद हम कुछ इनके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए ये भी देखें, तो ये जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है उनमें पहला है क्लागुलोनिक एसिड, दूसरा है सलबैक्टम, तीसरा है टाजोबैक्टम। ये तीन तरह के ड्रग हैं जो कि बीटा लैक्टामेज को इनहिबिट करने का काम करते हैं। अब इसमें साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है जो कि अपने आप में इस चीज को इंटरेस्टिंग बनाती है, यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं वो है क्या। देखिए, तीसरा पॉइंट कहता है दीज आर देमसेल्फ बीटा लैक्टम कंपाउंड। ये जो आपके बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर के ड्रग हैं, तीन के जिनके मैंने नाम बताया, वो खुद बीटा लैक्टम कंपाउंड है, बट दे डू नॉट हैव सिग्निफिकेंट एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। यानी कि जो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर हैं, वो खुद में बीटा लैक्टम कंपाउंड है, बट इनके पास अपने अकेले की इतनी ताकत नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंटली, कि एज अ एंटीबायोटिक काम करें। तो हम क्या करेंगे, इनको आपके एंटीबायोटिक के साथ कंबाइन करेंगे ताकि एंटीबायोटिक अपना काम करे और ये जो आपका बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है ये उनको रोक करके रखे जो कि बीटा लैक्टम को हाइड्रोलाइज करने का काम कर रहे थे, यानी कि बीटा लैक्टामेज को इनहिबिट करके रखे। इस तरीके से ये काम करेगा। समझ सकते हैं कि मैं अकेला हूं और अकेला फाइट करूंगा, अगर बीटा लैक्टम रिंग हूं तो मैं तो काम करूंगा, लेकिन कुछ अगर बीटा लैक्टामेज है वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं अपने आप को बचाने के लिए अपने साथ किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के आता हूं जो कि मुझे उससे बचाएगा जो मुझे किल कर रहा था, यानी कि बीटा लैक्टामेज से बचाएगा। वो उसके पास ताकत नहीं है कि किसी और को खत्म करे, वो बस मुझे प्रिवेंट करेगा। सो पेनिसिलिन अपना काम करेगा, लेकिन जब साथ में आपने बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर दिया है तो ये आपके बीटा लैक्टामेज से पेनिसिलिन के डिस्ट्रॉय होने को बचा के रखेगा। ये वर्ड ऐसे हैं कि आपको कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो सकता है, इसलिए इसको आप थोड़ा शांति से सुने, क्योंकि एक तरफ बीटा लैक्टम है और एक तरफ बीटा लैक्टामेज है और एक तरफ और बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है। तीनों वर्ड एक दूसरे से स्टिकी हुई है, तीनों का अंतर आप समझ जाएंगे धीरे धीरे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बात करूं तो ये पहला पॉइंट हमने खत्म किया। दूसरा, बीटा लैक्टामेज, ये जो बीटा लैक्टामेज है, बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर्स है, आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट बीटा लैक्टामेज, यानी कि प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये जो बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर हैं, जो हमारे ड्रग के हैं, ये यूजफुल तो है आपको बचाने के लिए, लेकिन कुछ केस में ये इफेक्टिव नहीं है।
कौन से केस में, किसके द्वारा जो प्रॉब्लम कॉज होती है इन्फेक्शन, इसके केस में आपको बचा नहीं पाएंगे। तो स्पेसिफिकली आपको याद रखना चाहिए, इट इज नॉट इफेक्टिव इन स्यूडोमोनास, एंटेरोबैक्टर एंड एमआरएसए। इस तरह के इन्फेक्शन से हो सकने वाले प्रॉब्लम के केस में हमारे बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर उतने इफेक्टिव नहीं है। ये एमआरएसए का पूरा नाम आपको पहले भी वीडियो में समझ में आया होगा, ये है मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरस। ये आप समझ सकते हैं सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन के केस में हमने मेथिसिलिन के बारे में आपसे बात किया था। उसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट जो कि आपको याद रखना होगा डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है ईच बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर इज कंबाइंड विद पेनिसिलिन ऑफ योर चॉइस। जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा एग्जाम्पल देकर के, अगर अकेला पेनिसिलिन देंगे तो वो डिस्ट्रॉय होने की संभावना है बीटा लैक्टमेज के द्वारा, और अकेले आप बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देंगे तो उनके में उतनी ज्यादा एफिकेसी नहीं है कि वो एज एंटीबायोटिक काम करें। तो क्या करूं, दोनों को आपको मिला देना चाहिए, उस पेनिसिलिन के साथ मिलाना चाहिए जिसकी बायोअवेलेबिलिटी आपके डिजायरेबल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली है, और उसके साथ आपने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर को मिला दिया तो अब उसकी संभावना बढ़ जाती है कि वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बन के काम करे, वो उसके इनहिबिट होने की संभावना बीटा लैक्टमेज के द्वारा कम हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल में जो हमने बात किया ऊपर आप देख सकते हैं तीन एग्जाम्पल, उनमें से हम एक टाइप एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे, बाकी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्लागुलानिक एसिड, ये क्या है और कहां से ऑब्टेंड है, इसके क्या पॉइंट्स हैं। पहला, इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसस क्लेविजीरस, ये स्पीसीज से बनते हैं इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। इनके साथ एक मजेदार बात क्या है, वो क्या है, देखिए जो क्लावोनिक एसिड है ये काम कैसे करेगा, क्लावोनिक एसिड बाइंड होता है बीटा लैक्टमेज पे। वो कौन है बीटा लैक्टमेज, यही तो प्रॉब्लम की जड़ है, यही तो विलन है जो कि हमारे बीटा लैक्टम को हाइड्रोलाइज करता है, और इससे बीटा लैक्टम के हाइड्रोलाइज होने की वजह से पेनिसिलिन की एक्टिविटी कमजोर हो जाती है। तो आपका जो ड्रग है ये ड्रग कौन सा है, वापस से देखिए बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, तो ये जो ड्रग है ये आपके बीटा लैक्टमेज पे जाके बाइंड होता है, इसको इनएक्टिवेट कर देता है। अब जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिट हो जाएगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा, तो आपका दुश्मनी खत्म हो जाएगा, और इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो इनहिबिट हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। लेकिन दिक्कत यहां पर एक बात और जानने की है कि जो आपका बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर था, आपका ये वाला एग्जाम्पल क्लावोनिक एसिड, वो खुद ही अपने आप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, दूसरे अनवांटेड बैक्टीरिया को तो डिस्ट्रॉय करेगा लेकिन इस प्रोसेस में वो अपने आप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसीलिए इसका एक नाम पड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ये नाम है सुसाइडल इनहिबिटर, खुद को खत्म कर दे रहा है, इसीलिए इनहिबिट करने का काम कर तो रहा है वो आपके बीटा लैक्टमेज को, लेकिन खुद को भी ये सुसाइड के केस में खत्म कर दे रहा है, दैट इज व्हाई इसको ये नाम पड़ा, और ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। देखिए बाइंड्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, जब ये यहां पे देखिए बाइंड हो रहा था ना, ये वाला पॉइंट किससे, बीटा लैक्टमेज के साथ, तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो जब ये हमारा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर बीटा लैक्टमेज के साथ बाइंड होगा और ये बाइंड होने वाला बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो उससे अपने आप को कैसे प्रिवेंट करेगा बीटा लैक्टमेज, इसके कारण से आपकी जो एक्टिविटी है वो बड़ी अच्छी होगी आपके पेनिसिलिन की, जिसके साथ आपने इसको दिया है वो अच्छा काम करेगा। सो इसके कारण देखिए नॉट रिवर्सिबल, और इसी की वजह से वो रिवर्सिबल नहीं है, तो आपका जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय होना तय है, ये काम करने का तरीका हुआ। आगे बात करें कंबाइंड विद एमोक्सिसिलिन, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ये जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है और उसके अंदर का जो हमारा क्लावोनिक एसिड का एग्जांपल है, इसको हम मोस्ट ऑफ द केस में एमोक्सिसिलिन के साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने से क्या होगा, अगर हम कंबाइन करते हैं तो इट विल बी यूज फॉर द ओरल एंड पैरेंटरल प्रिपरेशन, उसको ओरल रूट से या पैरेंटरल रूट से हम यूज कर सकते हैं। अब ये यूज कहां कहां कर सकते हैं, ये देखिए इनका जो यूज है वो अलग अलग जगह पे होगा, मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो क्लावोनिक एसिड है इसको एमोक्सिसिलिन के साथ अगर मैं बाइंड करूं तो ये आपके सेल्युलाइटिस, जो एक स्पेसिफिक तरह के सेल्युलर इंफेक्शन है उनके कारण से होने वाले इंफ्लामेशन है, इनको ठीक करने में मदद करता है। डायबिटिक फूड को भी ठीक करने में मदद करता है, यानी कि ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जिनको डायबिटीज है सीवियर लेवल की, और उनकी वजह से जो आपके गैंग्रीन की पॉसिबिलिटीज हो रही है लोअर पार्ट ऑफ लेग के, इनको ठीक करने में ये मदद कर सकता है।
उसके बाद अगला जो है स्किन इंफेक्शन, जो अलग अलग तरह के स्किन इंफेक्शन होते हैं, इनको भी कंट्रोल करने के लिए आप इनके कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्लस जेनिटो यूरियल इंफेक्शन को भी ठीक कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई इंफेक्शन हो गया हो, मेल फीमेल जेनिटो यूरियल ट्रैक में कोई अगर इंफेक्शन दिया हो, अगल बगल आजू बाजू में कहीं कोई इंफेक्शन वगैरह हुए हो, जैसे कि आप देखेंगे गोनोरिया के केस में सोर ओपन सोर हो जाते हैं, तो उस तरह के केस में ये आपके ड्रग यूज किए जा सकते हैं, अगर मैं कंबाइन करूं आपकी क्लावलोनिक एसिड और एमोक्सिसिलिन को। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने बात किया एक बेसिक इंट्रोडक्शन के रूप में कि बीटा लैक्टमेज जो है इसके इनहिबिटर क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए होगा इस टॉपिक में, संभावना मैं कर रहा हूं, क्योंकि नाम बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो कौन किसको बचा रहा है, कौन किसको फंसा रहा है, ये कंफ्यूजन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब आपको मैं एकदम शॉर्ट में इन्हीं तीनों को रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बीटा लैक्टम एक रिंग है जो कि आपके पेनिसिलिन के काम करने के तरीके को डिनोट करता है। ये उसी रिंग पे जाके काम करेगा आपका पेनिसिलिन, ताकि उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। बीटा लैक्टमेज एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। ये एंजाइम बैक्टीरिया के द्वारा बनाया इसलिए जाता है ताकि आपके बीटा लैक्टम यानी कि पेनिसिलिन की एक्टिविटी से अपने आप को बचा सके। ये अपने आप को बचा रहा है कौन, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया अपने आप को बचाएगा तो वो तो बैक्टीरिया की अच्छी बात हुई, लेकिन आपके अंदर कोई बैक्टीरिया है और आपको उस बैक्टीरिया को खत्म करना है, तो आपने बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए पेनिसिलिन ली। इस पेनिसिलिन से अपने आप को बचाने के लिए अंदर बैक्टीरिया ने पेनिसिलिन बीटा लैक्टमेज बना लिया, तो अब आपका जो पेनिसिलिन है तो तरह से काम नहीं करेगा। फिर आपने क्या किया, आप दोबारा से उस पे नहले पे दहला मारने के लिए जो बीटा लैक्टमेज वो बना रहा था ताकि वो आपके पेनिसिलिन के असर को कम कर सके, आपने उसी के उस बीटा लैक्टमेज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दे दिया। तो अब बैक्टीरिया के पास जो ऑप्शन था बीटा लैक्टमेज बता करके अपने आप को बचाने का, वो भी खत्म। तो ना रहेगा बीटा लैक्टमेज, ना डिस्ट्रॉय होगा आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स यानी कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स यानी कि पेनिसिलिन। तो ये सिंपल सा तरीका है, एक प्रकार से कंपटीशन पे कंपटीशन हो रहा है कि बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आपने पेनिसिलिन दिया, आपके पेनिसिलिन से बचाने के लिए बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टमेज बना लिया, फिर से आपने उससे जीतने के लिए बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर बना लिया, और अब तक फिलहाल तो आप जीते हुए। कल को कुछ और बना ले बैक्टीरिया रेजिस्टेंस होकर के, म्यूटेशन वगैरह करके, तब हम इसको भी कहेंगे कि अब ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये था आज की सिंपल सी कहानी। कहीं भी कोई आपको डाउट होता है तो बस एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दोबारा से सुन लें, दोबारा एकदम शांति से हेडफोन लगा करके धीरे धीरे सुन लें, तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपका अपना डाउट रखिए, मैं तो हूं यहां पे आपकी मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो आज के साथ ही आज का पेनिसिलिन जो टॉपिक था वो कंप्लीट। दूसरा कोई एंटीबायोटिक पकड़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंगली, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। रेफरेंस के बारे में बात करूं तो इसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप केडी त्रिपाठी और पद्मदा उदय कुमार और पी जगदीश प्रसाद तीनों को मिला करके यूज करें, और अगर आपके पास इनमें से कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके लिए ये स्क्रीनशॉट है, ये आप ले सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने हाईलाइट भी किए हैं कलर वाइज, ये आपके काम आएंगे। सो फ्रेंड, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।